शिव पुकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर यांना विनम्र अभिवादन. मध्ययुगीन भारतातील संत श्रेष्ठ संत रविदास जी यांना विनम्र अभिवादन. दादा हिलाव म्हणा. कामना या ठिकाणी आयोजित केला. इट्स अ ग्रेट प्रिव्हिलेज टू बी हियर विथ यू आर व्हेरियस रिप्रेझेंटेटिव्ह फ्रॉम द ब्रँड व्हेरियस कंपनीज अँड द डिग्निटरीज हियर. सेक्रेटरी मिस्टर वाघमारे साहब दिनेश वाघमारे जी, माय फ्रेंड डिकीज इंटरनॅशनल प्रेसिडेंट पद्मश्री मिलिंद कामणे जी, डॉक्टर वाघमारे जी, आमचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश ठाबरे जी, त्यानंतर गिडामजी, उपस्थित सर्व या ठिकाणी उपस्थित झालेले सर्व कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि उपस्थित की म्हणा याच्यामध्ये जगातल्या अनेक कंपन्या मी महामंडळाच्या मंडळींना म्हटलं होतं गिडामना की या फ्रेंचायझी आहे. ह्या गावातला जो सुशिक्षित बेरोजगार पोरग आहे त्याच्याजवळ जर नेऊन दिली त्याला दुसरा व्यवसाय उभा करण्यापेक्षा जर आम्ही त्याला म्हटले की बाबू हे ऑलरेडी इस्टॅब्लिश ढाचा आहे. मागे एकदा काम के द्वारा आज यहाँ पे चर्म कौशल्य और हमारे चर्मकार भाइयों के लिए जिस तरीके से ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और यहाँ पे लिटकाम द्वारा उत्पादित विविध वस्तुओं का प्रदर्शन, ये कार्यक्रम आज लिटकाम के द्वारा पहली बार महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से यहाँ पे हमारे राजेश ढाबरे जी ने जो किया, निश्चित ही लिटकाम के जो प्रोडक्ट है उसको इस माध्यम से मार्केट में उसको बढ़ावा मिलेगा और ये निश्चित ही बड़े पैमाने में मार्केट में और जो बाकी कंपनियाँ हैं जो चर्म वस्तुओं का उत्पादन करती है इनके साथ में ये लिटकाम द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं का बड़े पैमाने में मार्केट में बिक्री करने के हिसाब से और हमारे चर्म भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देने के निमित्त से ये जो कार्यक्रम आज यहाँ हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ है. कई कॉरपोरेट कंपनियों के प्रतिनिधि भी यहाँ पे आए और विविध मंडलों के लोग यहाँ पे आए और सरकार के तरफ से भी कई लोग आए, तो निश्चित ही ये बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही अच्छा कि आज यहाँ पे उठा गया कदम है. मैं लिटकाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि निश्चित ही ये प्रयास भविष्य में हमारे लिटकाम के उत्पादन को बढ़ावा देगा. भविष्य में हमारे हर तालुका में लिटकाम के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का एक हम विक्री केंद्र शुरू करेंगे, उसका ब्रांडिंग भी करेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस के द्वारा विदेश में भी ये सब वस्तुएँ भेजने का हमारा मानस है और उस दृष्टि से आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ. मैं फिर से लिटकाम को बहुत धन्यवाद. थैंक यू. क्या कहना चाहिए? बड़ा ही सफल इवेंट रहा है आज का. संत रविदास चर्मोद्योग एवं चर्मकार विकास महामंडल की ओर से चर्म कौशल्य 2018 ये पहली बार ही हो रहा है. शुरुआत हुई है, बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय और विशेष सहाय विभाग के राजकुमार बडोले साहब यहाँ पर आए. उन्होंने हमारे प्रोडक्ट का ऑपरेशन का विमोचन किया, नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और बहुत अच्छा गाइडेंस उन्होंने दिया. एक बड़ी आशा की किरण आज जगी हुई है कि चर्मोद्योग में जो भी समस्याएं हैं इस फील्ड की, इस क्षेत्र में बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और गवर्नमेंट का ये अपने आप में कॉरपोरेशन है जिसके पास बड़ी जिम्मेदारी थी, तो वो जिम्मेदारी का आगाज़ आज हुआ है
तो मिलके हम प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं इन सब पर अब ये महामंडल काम करेगा और सबको लेके साथ चलेगा। इससे सामाजिक न्याय का जो हमारा सपना है, क्योंकि इसमें जो परंपरागत जो कारागिर है जो अपने हाथ से शूज़ और फुटवेयर बनाते हैं उनको बड़ा काम मिलेगा। महाराष्ट्र का शेयर राष्ट्रीय इसके धंधे में बढ़ेगा, जो कि 2.8% बढ़ के 6% हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत आज हुई है और यकीनन जिस तरह का सकारात्मक भाव यहाँ पे उत्पन्न हुआ है ये हमको ज़रूर आगे लेके जाएगा। और जो भी क्लस्टर डेवलपमेंट की कल्पना हो या टू पार की कल्पना हो या मिल के काम करने की संकल्पना हो उस पर एक्चुअली में काम होगा और सपना काम होगा। हाँ सर, व्यापार की अगर बात करें, व्यापारी और करीबन 7 बड़े ब्रांड्स आए थे जिसमें से आशीष मर्चेंट कैटवर्क के जो ओनर है उन्होंने आज 2 शब्द कहे और संपूर्ण ऑल इंडिया आई थिंक फुटवेयर एंड लेदर रिटेलर्स एसोसिएशन की तरफ से प्रेजेंटेशन भी हुआ। तो इसको देख के आपको समझ में आएगा कि जो हमारा कंसल्टेटिव मीटिंग का जो कंसेप्ट था वो पूरा हो गया, क्योंकि हमने मिलकर जो लेदर इंडस्ट्री की जो पोजिशन है उसका प्रेजेंटेशन क्या भी सबको देखने मिला कि भी किस तरह से ग्रोथ होती है, किस तरह चाइना का मार्केट चाहे चाइना के प्रोडक्ट हमारे मार्केट को खा रहे हैं और हमारे तरफ हमारी जो पोजीशन है वो बिकॉज हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो किस तरह से और ख़राब हो सकती है, लेकिन ध्यान देंगे तो किस तरह से अच्छी हो सकती है। इसके बारे में प्रेजेंटेशन था माननीय अध्यक्ष साहब अमित चौधरी साहब ने उसको नोट डाउन किया है और जितनी भी इसमें प्लेयर्स है वो मिलकर अगर काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिजिनियस इंडस्ट्री है लेदर फुटवेयर में वो बहुत आगे बढ़ सकती है। क्योंकि भारत के पास ऐसे कारागिर जो अपने हाथ से संभाल कर सकते हैं, उन कारागिरों को हम आगे बढ़ाएंगे और उनके जरिए हम अभी कॉम्पीट करेंगे। हाँ, एक्सपोर्ट निर्यात जो है निर्यात जरूर होगा, क्योंकि हमने पहली बार बीकॉम का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेंस भी हमने अभी बनवाया है हमारे आने के बाद। तो यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स आए थे, इनके साथ हमारी अलग से मीटिंग होगी और हम उसको जो मार्केट में जो उनको फुटवेयर मिलता है उसके कम दाम में भी देंगे अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट। तो डिटकॉम का एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा बढ़ेगा और हम टाइप करने वाले हैं काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स से और काफ़ी सारे डीलर्स हैं इंटरनेशनल फुटवेयर इसके, क्योंकि मैं कस्टम से हूँ, आई एम एडिशनल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ऑल्सो, सो आई हैव सम कनेक्शन इन दैट फील्ड ऑल्सो, सो आई विल बी यूजिंग दोज कनेक्शन एंड गेटिंग गुड एक्सपोर्ट ऑर्डर्स फॉर डिटकॉम प्रोडक्ट। सी वी हैव अ प्लान फॉर महाराष्ट्र फर्स्ट, वी हैव अ प्रेजेंस इन 6 डिस्ट्रिक्ट बट वी विल बी हैविंग प्रेजेंस इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो एज पर मिनिस्टर्स एक्सपेक्टेशन वी माइट गो अप टू तालुका लेवल। सो वंस वी कैप्चर महाराष्ट्र वी विल क्रॉस महाराष्ट्र क्रॉस महाराष्ट्र नेवर द लेस वी विल हैव सम डायलॉग विद FDDI एंड CFTI एंड CRRI ऑल दीज इंस्टीट्यूट्स एंड एजेंसीज विच आर वर्किंग इन दिस फील्ड वी विल हैविंग विल बी हैविंग डायलॉग एंड विल सी हाउ वी कैन सेट अप यूनिट्स एट आगरा एंड कानपुर। सब मराठी पाड़ी है पाड़ी आपने लाइव काउंटर का शूटिंग किया ना, लाइव काउंटर का शूटिंग किया लोगों ने? हाँ, उद्योग व चर्मकार विकास महामंडळातर्फे आज चर्म कौशल्य 2018 या कार्यक्रमाचे आयोजन झालेले माननीय मंत्री सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग राजकुमार बडोले साहेब यांनी प्रदर्शनाचं विमोचन केलं, उद्घाटन केलं। त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या नवीन शूजचे नवीन पादत्राणाचे विमोचनसुद्धा त्या ठिकाणी झाले आणि महामंडळाचे अध्यक्ष तथा सचिव दिनेश वाघमारे साहेब कार्यक्रमाला आवाजून उपस्थित होते। डिक्कीचे संस्थापक अध्यक्ष नितीन कांबळे, सोनाली कुलकर्णी, फिल्म ॲक्ट्रेस नवीन प्रभाकर साहेब, देन प्रशांत गेडाम फ्रॉम महात्मा फुले विकास महामंडळ, हे सगळे मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित होते। त्यांनी आपले विचार या ठिकाणी मांडले, पण तो सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे की चर्मोद्योगातील जे लीडर्स आहेत, जे प्रायव्हेट प्लेयर्स आहेत, ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। कन्सल्टेटिव्ह मीट जो आमचा
जो आमचा विचार होता तो पूर्णपणे या ठिकाणी यशस्वी झालेला आहे, कारण त्यांच्यातर्फे एक प्रेझेंटेशन त्यांनी दिलं आणि त्याचे सगळे संपूर्ण पॉईंट्स आम्ही नोट केले. तर एकंदरच राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि या चर्मोदयातील जे प्रतिनिधी आहेत, जे बिझनेस ओनर्स आहेत, सगळे मिळून आम्ही एक चांगला कार्यक्रम तयार करू. केंद्र सरकारची मोठी योजना आहे 2600 करोडची, त्यातला किती निधी आम्हाला मिळू शकेल याच्यावर आम्ही विचार आता करणार. त्याच्यानंतर इंटेन्सिव्ह 1-to-1 बिझनेस मीटिंग होती आणि कसं आम्ही तो एक रणनीती बनवून, एक स्ट्रॅटजी बनवून केंद्र सरकारला आम्ही तो कसा कार्यक्रम पुष करू शकतो, तो प्रबोधन कसं पुष करू शकतो याच्या